अनुदेशकों को, खासकर उत्तर प्रदेश के जो भी हैं अपीलार्थी हैं, याचिकाकर्ता हैं, सबको आश्वासन देता हूं, इस बात में खुले मन से आश्वासन दे रहा हूं कि मैं शनिवार रविवार संडे मतलब कल ट्यूजडे तक राजस्थान में हूं। आज उदयपुर से पहुंचकर जयपुर होते हुए कई और कार्यक्रम करते हुए इधर पहुंचा हूं दौसा। कल भरतपुर में है आयोजन, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन है कल वहाँ, और उसको करके मैं संभवतः देर रात तक दिल्ली पहुंच जाऊंगा और 4 तारीख को आपको बिल्कुल बताऊंगा, वहाँ की लिस्ट देखूंगा एक्चुअली क्या क्या लिस्ट है लग रही है 12 के लिए, क्या क्या है, क्या कहाँ क्या है। एक्चुअली जब से ये फिजिकल हो गया है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसलिए देखूंगा जहाँ, और मेरा पूरा प्रयास है, भरसक प्रयास होगा कि मैं आपकी बात को लेकर, आपकी याचिका को लेकर और इतने लोगों की आवाज को लेकर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचकर रखूं, क्योंकि इच्छा शक्ति मुझ में भी होनी चाहिए। जो मैं इच्छा शक्ति दूसरे में रखता हूं तो मैं भी अपनी इच्छा शक्ति की हर समय तुलना करता रहता हूं, तौलता रहता हूं कहां पर मेरी इच्छा शक्ति कम रह गई, कहां पर ज्यादा है। और इच्छा शक्ति का ही है कि 4 दिन से लगातार हमने 3 महीने पहले कार्यक्रम दिए थे, वो सारे कार्यक्रम पूरे करते हुए अंततः 4 दिन बाद दिल्ली पहुंचूंगा, लेकिन राजस्थान पूरा कवर करके पहुंचूंगा। सभी की आकांक्षाओं अभिलाषाओं और जबकि ये कार्यक्रम मैंने सोमवार मंगल के तब दिए थे जबकि ऑनलाइन सुनवाई चल रही थी, अब बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन लोगों के पब्लिक से जुड़े हुए कार्यक्रम है, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम था, वहां था, आपने उस दिन देखा भी, वहां से मुझे जुड़ना पड़ा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के घटनाक्रम पर जो भी हुआ। और वास्तव में इसमें घटनाक्रम चाहे अनुदेशकों का मामला हो, चाहे इस देश के या उत्तर प्रदेश के कोई और मामले हो, इच्छा शक्ति तो साफ सभी को बनानी पड़ेगी काम करने की, चाहे वो वकीलों की इच्छा शक्ति हो, चाहे वो न्यायाधीशों की इच्छा शक्ति हो, चाहे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट, एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो पेश होते हैं, जो कोर्ट के सिस्टम से जुड़े हुए हैं, सबको अपना देश, अपने देश के लोग मानकर काम करना पड़ेगा। टॉलरेंस की नीति आज टाल लो, कल टाल लो, परसों टाल लो, आप कितनी तारीख दे देंगे, कब तक दे देंगे? आदमी को देर से, इतनी देर से आप न्याय मत दीजिए कि उस न्याय की प्रकृति, न्याय की परिभाषा, न्याय का अर्थ ही खो जाए, गुम हो जाए कहीं। अनुदेशकों का आप निपटारा तब करोगे जब पैसे के अभाव में, तनख्वाह बढ़ने के इंतजार में, उनके माता पिता दवाओं के अभाव में, व्यवस्थाओं के अभाव में मर लेंगे, उनके बच्चे कुपोषित हो लेंगे, उनके परिवारों में तलाक हो जाएंगे, शादियों की उम्र निकल जाएगी, बहने शादी से रह जाएंगी, मकान टूटे गिर के ऊपर के ऊपर गिर पड़ेंगे और मर जाएंगे, और लोकल अखबार की छोटी सी खबर बन के रह जाएगी मकान गिर गया लोग मर गए, तब क्या फायदा रहेगा? आप उन्हें समय से पोषण दे दें, समय से उनका जीवन दे दें। कोई ऐसी मांग नहीं है ये कि कोई बहुत बड़ी मांग है जिसको पूर्ति करने के लिए आपको, आपके सिस्टम की मांग है, आपके संचालन की मांग है, आपके मीटिंग की मांग है, और इनमें तो मैंने जहां तक फाइल देखी है बहुत सी चीजें मान चुके हैं लेकिन लागू नहीं हो पा रही हैं, मान चुके हैं लेकिन लागू नहीं हो पा रही, उनकी कंप्लायंस नहीं हो पा रही, कंप्लायंस करने के लिए लोगों को परेशान होना पड़ रहा है, उसके लिए दुखी होना पड़ रहा है। ये विषय महत्वपूर्ण है और इसीलिए मेरी पूरी इच्छा है, मन की इच्छा से मैंने कहा है और मेरा पूरा प्रयास होगा कि मैं 12 तारीख को इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचूं। कोई ऐसी भगवान से भी प्रार्थना करूंगा, प्रभु परमात्मा से भी प्रार्थना करूंगा कि इनकी मांग हमें रास्ता ऐसा दे, क्योंकि हमारे देश की बड़ी परंपराएं रही हैं, रास्ता मिल जाते हैं, जहां चाह वहां राह, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाह होती है वहां राह निकल आती है, और आस्था हो तो बंद दरवाजों में भी रास्ता मिल जाता है। उस बात के साथ मैं अपनी इच्छा शक्ति रखता हूं और मेरा पूरा प्रयास होगा कि मैं वहां पहुंचूं और आपकी बात को माननीय उच्च न्यायालय में रखूं। और तथ्य की बात है, चीजें लागू होने की बात है, नहीं हो पा रही हैं, लेकिन इतना विलंब हो पा रहा है कि, लेकिन ये आप अवश्य मानिए मिश्रा जी, आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। आपने किसान आंदोलन में अपने चैनल के माध्यम से मेहनत की, आपकी मेहनत का नतीजा था जो स्टे मिला,
माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, आपकी मेहनत का नतीजा था किसानों के बिल वापस हुए, आपकी मेहनत का नतीजा था अनुदेशकों की जो सैलरी थी वो मिलने लगी आपने बताया, और आपकी मेहनत का नतीजा ही था जो इतनी आपकी डिबेट्स सीधे पीएमओ ऑफिस में जाती हैं, सरकार उनको देखती है, उनका एनालिसिस करती है, उनको सुनती है, समझती है, ऐसी बहुत सी मांगे आपने रखी जनहित में, क्योंकि आप निष्पक्ष हैं, निर्भीक हैं, निडर हैं, और पत्रकारिता के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है निष्पक्षता होना, निर्भीकता होना, निडरता होना, तभी देश का चौथा स्तंभ जिंदा रह सकता है। मुझे कहने में कोई मुगालता नहीं है, आज बहुत से चौथे स्तंभ का दावा करने वाले लोग ढुलक चुके हैं, दबाव में आ चुके हैं, जानते सब कुछ हैं, लेकिन उन्हें उन बातों को रखने में हिचकते हैं, डरते हैं, भय खाते हैं, तो उन्हें पत्र, मैं तो कहता हूं आपको डर लग रहा है सरकार से, डरना चाहिए, लेकिन आप पत्रकारिता छोड़ दीजिए, आप कोई और काम कीजिए, आपके लिए बहुत बिजनेस है, बहुत धंधे हैं, उनको करिए, पत्रकारिता के नाम को लज्जाजनक मत बनाइए, पत्रकारिता बहुत रॉयल पेशा रहा है। लेकिन मुझे खुशी है कि आज देश में आप जैसे पत्रकार हैं, अपने चैनल के माध्यम से पूरे देश और दुनिया की समस्याओं को उठाकर उन पर बेबाक बातचीत रखते हैं, हमें भी अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है, हमारे पास और चैनल के लोग भी आते हैं, हम देते हैं उन्हें, फिर बाद में हम देखते हैं हमारी इतनी बात काट दी गई, इतनी चला दी गई, इतनी छापी गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इतनी काट दी गई, ये कट पेस्ट का उनकी मजबूरी होती है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही तो बेवफा नहीं होता है। तो वो कोर्ट कई बार हमसे कहती है कि व्हाई यू विल नॉट अपीयर बिफोर द अनरेबल हाई कोर्ट, कि आपको वहां जाना चाहिए, यू शुड अप्रोच देयर, आपको वहां पहुंचना चाहिए। बात क्या है, मैं बड़ी साफ तौर पर, मैं लोगों से तो जुड़ा हुआ हूँ, समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मेरे लिए समाज पहले है, वकालत बाद में है, फिर परिवार है, लोगों के लिए परिवार पहले होता है, फिर वकालत होती है, फिर समाज होता है, हमारी थोड़ी सी उल्टी विचारधारा चल पड़ी तो चल पड़ी, पहले समाज है, फिर वकालत है, फिर परिवार है। तो अब समाज से जुड़े होने की वजह से कई मामलों में इस बात को कहना पड़ता है कि मैं इतने वर्षों से इन्हें जानता हूं और जानता होता हूं, इसमें कोई शक नहीं है, गलत नहीं कहता हूं, जानता होता हूं। तो अनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कई बार ऐसे कमेंट्स होते हैं, व्हाई यू विल नॉट अपीयर अप्रोच बिफोर द हाई कोर्ट, अनरेबल हाई कोर्ट में आप क्यों नहीं गए, आपको जाना चाहिए था इस डिसीजन से पहले, ये बातें जो आप यहाँ रख रहे हैं वो पहले आप रख सकते थे, वहां रखनी चाहिए थी। तो अब अवसर है, समय है, अपने लोग हैं, अपने गृह प्रदेश के लोग हैं, भावनात्मक जुड़े हुए लोग हैं, शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, शिक्षा के बिना जीवन व्यक्ति का अधूरा है, आज मैं अगर हूं तो शिक्षा की वजह से हूं, आज अगर अनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है तो वो इन्हीं शिक्षकों की वजह से है, आज अगर अनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है तो इन्हीं शिक्षक जैसे अनुदेशकों की वजह से है, किसी ने तो पढ़ाया है हमें, किसी ने तो सिखाया है, ये भी बनाना चाहते हैं, ये भी बनाना चाहते हैं, हमारे देश की नींव को मजबूत करना चाहते हैं, और ये तो ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि गरीब दलित शोषित पीड़ित मजदूर मजलूम को पढ़ाते हैं, इनके पास कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले छात्र नहीं आते हैं, इनके पास मॉडर्न इंग्लिश स्कूल में जाने वाले छात्र और उनके परिवार उनके माता पिता नहीं आते हैं, ये सच्ची नींव है, ये गांधी के उस देश के शिक्षक हैं जिस गांधी ने कहा था कि अगर आप कोई कानून बनाना चाहते हैं, बनाने जा रहे हैं या बनाने वाले हैं, तो आपको सबसे कमजोर व्यक्ति को देख के कानून बनाना, जो सबसे समाज की कमजोर कड़ी है उसको देख के कानून बनाना, तो आपका कानून सफल रहेगा, और अगर आपने किसी वातानुकूलित भवन में बैठ के कानून बना लिया तो उसका परिणाम बुरा होगा। आपने देखा किसान बिल वातानुकूलित भवन में बने थे बैठ के, इसीलिए किसान कानून के लिए 1.5 साल लोगों ने संघर्ष किया, 700 लोगों की मौत हो गई, कितने परिवार उजड़ गए, दिल्ली बंधक बनी रही पूरी देश की राजधानी 1 साल तक, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को उस पर इस्तीफा देना पड़ा, और अंत में उस वातानुकूलित भवन में बने कानून को माननीय मोदी जी को रद्द करना पड़ा। चाहे लोकतंत्र का दबाव हो, सत्ता पर तो लोकतंत्र का दबाव रहता है, पार्टियों पर तो चुनाव का दबाव रहता, रहना चाहिए, यही हमारे संविधान।